चारा घोटाले से जुड़े डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव दोषी करार दिए गए। सीबीआई के विशेष जज एस के शशि की अदालत ने लालू यादव को दोषी करार दिया है। 21 फरवरी को लालू के सजा के बिंदुओं पर सुनवाई होगी, यानी कि 21 फरवरी को सजा सुनाई जाएगी। इस मामले में लालू यादव के अलावा 74 अन्य आरोपियों को दोषी करार दिया गया है। इसके बाद से लालू यादव के समर्थकों में घोर निराशा देखी जा रही है। राजद के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कोर्ट परिसर में लालू यादव को दोषी करार दिए जाने के बाद निराशा जाहिर की है। तो अब कहा कि जो जिसके बारे में वो कह रहे हैं वो आज कोई नई बात नहीं कह रहे हैं, ये उनकी पुरानी बात है। रटा रटाया राग है, उसी राग को बार बार जो है वो गाते रहते हैं, अब वही धुन बजाते रहते हैं। अरे भाई, अब उनको उनसे ये पूछना चाहिए ना कि ये तो 700 या 900 करोड़ रुपये का मैं आरोप है इसमें। हम न्यायविद के डिसीजन पे किसी भी तरह का टीका टिप्पणी नहीं करेंगे, उन्होंने अपने विवेक से निर्णय लिया है। हमारा दायित्व है कि हम उच्चतम न्यायालय में जाएंगे, अगर न्याय हमको नहीं मिलेगा तब न्यायिक प्रक्रिया के तहत। अरे भाई हटा जाओ ना यार। वहीं बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने कहा कि इस मामले में अदालत ने दोषी ठहराए गए लोगों में से 36 को 3-3 साल की सजा सुनाई है। लालू प्रसाद यादव को दोषी ठहराया गया है, हालांकि सजा अभी नहीं सुनाई गई। इसीलिए इसमें कोई छिपाने वाली बात नहीं है, वही हम लोगों ने 21 तारीख को अब आवेदन सुनवाई होनी है तमाम चीजों पर। जी हाँ, पॉइंट ऑफ सेंटेंस में 21 को सुनवाई होने वाली है। 21 को हम लोग आगे करेंगे, आगे आप लोग से। अभी जो जितने लोगों की सजा सुनाई गई मैक्सिमम 3 साल, अभी आज जितने लोगों को सजा सुनाई गई उसमें करीब 35 लोगों को 3 साल की सजा सुनाई गई है। जो लोग बेल बोर्ड भर के आगे प्रोविजनल बेल पर जाएंगे, और जो करीब 40 के आसपास है वो उन्हें हथवार भेजा जाएगा। आग वो लोग अपना आगे उनके उनके सजा के बिंदु पे 21 तारीख को। ये जो लोग जानने के लिए उत्सुक है कि लालू जी को कितनी सजा है, मैक्सिमम 7 साल। ये 21 को पता चलेगा, ये जज साहब के विवेक पर निर्भर करता है। उस पर हम लोग अभी कमेंट करना उचित नहीं है, जज साहब जो डिसाइड करेंगे उनके ऊपर। आज शाम तक देखिए, ये भी मेरे द्वारा नहीं कहा जा सकता, ये जज सुप्रिंटेंडेंट के ऊपर निर्भर करता है। गौरतलब है कि रांची की सीबीआई की विशेष अदालत ने चारा घोटाले के डोरंडा कोषागार मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव समेत 75 आरोपियों को दोषी करार दिया है। इसके अलावा 24 लोगों को इस मामले में बरी कर दिया गया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए रांची से आशुतोष की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।